हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे, और संडे हमारा होता है एंजॉय करने का टाइम। और मेरे साथ आ गए हैं ललित भाई भी, और साथ में और उमेश एफएक्स में भी आते थे हम काफ़ी। बड़ी अच्छी सी जगह है ये, और ये गोरे ने बनाया हुआ है, एक्चुअली काफ़ी साल पुराना है। तो अक्सर हम लोग यहाँ भी आया करते हैं। बड़ी अच्छी सी जगह, देखो ग्रीनरी वगैरह बहुत है। तो आज आपको यहीं का टूर कराते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है हमारा संडे आज का। बहुत ही प्यारा सा व्यू है, इसका ऐसा कुछ नज़ारा है। बहुत ही आज मौसम बहुत बढ़िया है। एक्चुअली कल रात को बारिश हुई है दबा के, तो उसकी वजह से मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो रिवर नाइल आ गया सामने, बहुत ही सुंदर नज़ारा रिवर नाइल का। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है डूबी हुई टाइटैनिक जूबा की, पहले भी मैं कई बार दिखा चुका हूँ आपको। ये बहुत सालों से यहाँ पे डूबी पड़ी है, और निकालने का इसका कोई इरादा भी नहीं है, एक पहचान बन गई है अब तो ये। और ये सुंदर रिवर नाइल का नज़ारा, रिवर एफएक्स में हम आए हुए हैं इस टाइम पर, और ऐसा कुछ दिखाई देता है बाहर का व्यू। और ये बच्चों के लिए अभी एक तैयार कर रहे हैं राइड वगैरह के लिए। और आम के पेड़ तो देखो आपको हर जगह दिख ही जाएंगे, बहुत ही सुंदर ग्रीनरी। सो चलिए चलते हैं और आज थोड़ा बहुत शूट करते हैं यहाँ को। सो इन्होंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी आज एग्जिबिट की हुई हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं। और ये सब हैंडमेड पेंटिंग्स, देखिए क्या बात है। वेरी नाइस पेंटिंग्स। बहुत ही बढ़िया एग्जिबिट की हुई है इन्होंने। और ये जो है हाथ से बनाई हुई है, और मेरे ख्याल से धागा इसमें यूज़ किया हुआ है, बाटिक टाइप जो होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्प्ले की हुई है इन्होंने चीज़ें। अफ्रीकन आर्ट देखिए क्या बात है, बहुत ही सुंदर है। सो आज ही यहाँ पे सिप एंड शॉप इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर। तो बाहर इन्होंने काफ़ी सारे टेंट्स वगैरह कुछ लगाए हुए हैं, तो बाद में देखते हैं वहाँ पे जाके क्या कुछ है, और आपको भी दिखाता हूँ मैं। सो चलिए अभी के लिए इन्जॉय करते हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है आज तो, मज़ा आ गया यहाँ पर। मौसम बहुत ही बढ़िया है, और अभी तो ज़्यादा लोग आए नहीं एक्चुअली, बट धीरे धीरे करके सब फुल हो जाएगा यहाँ पे। अच्छी लोकेशन है एक्चुअली ये एफएक्स की। गोरे वगैरह यहाँ पे बहुत आते हैं यूएन के एनजीओ के, बिकॉज़ ये जो एक्चुअली है ये किसी गोरे का ही है, और उसी ने सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बहुत काफ़ी चलता है ये। और ये भाई लोग आके बैठ गए अपने। तो आज हम लोग आए थे एफएक्स में, और बहुत ही बढ़िया अंदर प्रोग्राम चल रहा था इनका, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ। ये सेलिब्रेट कर रहे थे एक्चुअली वुमेंस डे, और एक इनका इन्होंने छोटा सा प्रोग्राम भी रखा हुआ है आगे वुमेंस डे के ऊपर, जहाँ पे स्टॉल्स वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं। सो चलिए देखते हैं वहाँ पर कैसा का क्या कुछ माहौल है, आपको भी थोड़ा कुछ दिखाते हैं। गाइस, अंदर से कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पर, जो टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं अंदर क्या कुछ है। सो मेरे राइट साइड में जो ये टेंट लगा हुआ है, इसमें लेडीज़ वियर दिखाई दे रहे हैं, सारे लोकल वियर्स जो हैं लेडीज़ बहुत लाइक करती हैं इसको, कॉटन का कपड़ा होता है, ऑल ओवर अफ्रीका चलता है एक्चुअली हर जगह, तो इसके गाउन्स वगैरह बड़े पसंद करती हैं लेडीज़ यहाँ की। और ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये ग्रिल कर रहे हैं, इसको न्यामा चोमा बोलते हैं, और ये बहुत फेमस है ऑल ओवर अफ्रीका, नॉट ओनली हेयर बट हर जगह ये फेमस है ये। सो इसमें भी चिकन वगैरह मटन वगैरह ये कई सारी चीज़ें बना रहे हैं ये लोग, और बढ़िया अंदर काफ़ी रश है इस टाइम पर। हालांकि गर्मी बहुत है, 36-37 डिग्री चल रहा है इस टाइम पे, बिकॉज गर्मियाँ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे जूबा के अंदर।
और मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ सब लेडीज़ की आइटम्स हैं यहाँ पे, परफ्यूम्स वगैरह रखी हुई हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेडीज़ के कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, एक्चुअली लेडीज़ का ही काम होता है जनरली जहाँ पे स्टॉल्स वगैरह होते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी और सब जगह लेडीज़ का ही लेडीज़ का है। और यहाँ पे क्या है, कॉस्मेटिक्स हैं, लेडीज़ की कॉस्मेटिक्स का इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और मेरे लेफ्ट साइड में ये देखिए गर्मी लग रही है इनको भी, जबकि हमें इससे ज़्यादा गर्मी लग रही है मगर इनको भी गर्मी फील हो रही है यहाँ की बहुत ज़्यादा। सो माहौल इस तरह का। और ये विग्स वगैरह हैं यहाँ पे, विग्स का भी बहुत, अफ्रीका के अंदर विग्स बहुत चलती हैं और हमारे इंडिया से भी बहुत सारी विग्स आती हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया विग इन्होंने रखी हुई है और ब्यूटीफुल लेडी यहाँ बैठी हुई है जो ये सब दिखा रही है मेरे को। हाय हाउ आर यू, चलिए दैट्स वेरी नाइस। सो इस तरह का माहौल है दोस्तों, रश तो है अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। ये देखिए लेडीज़ के बैग्स वगैरह हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे बैग्स वगैरह डिस्प्ले किए हैं मैंने और जगह जगह बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पे लेडीज़ की कुछ फुटवेयर्स हैं, सैंडल्स वगैरह हैं। हाय सो ऐसा कुछ मॉल है, गर्मी तो बहुत है मगर फिर भी लोग आ रहे हैं। देखिए चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने डीजे रूम वगैरह बनाया हुआ है और यहाँ से म्यूज़िक वगैरह सब चला रहे हैं और कोई फ़ोटोग्राफी कर रहा है, कोई गर्मी से वो कर रहा है, पंखे पंखे हाँक रहा है। और यहाँ पे भी सब लोकल ड्रेसेस वगैरह ही हैं और कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी नज़र आ रही हैं। ये देखिए मैक्सिमम जगह आपको लोकल ड्रेसेस तो हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे, तो कहीं भी आप निकले तो ये चीज़ दिखाई देंगे। और ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, यहाँ से सब फॉरेनर्स वगैरह कुछ ना कुछ लेके जाते हैं अपने देश में जब जाते हैं, बिकॉज काफ़ी अच्छी बनाई होती है इन्होंने हाथ की चीज़ें यहाँ पे। सो हमारे भाई लोग भी देख रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ डिस्प्ले हैं, लोकल चीज़ें बना रखी हैं इन्होंने, लोकल आइटम्स वगैरह। और ये आंटी जी बैठी हुई हैं देखो गर्मी के अंदर, इन्होंने भी लोकल ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं और बढ़िया सा स्टैचू जिसमें स्कर्ट वगैरह बनाया हुआ है इसको, स्टैचू को, नाइस वन। और इसके आगे एक बुक स्टोर भी इन्होंने रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ बुक्स वगैरह डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये MTN का एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है और ये भी गर्मी से परेशान है बिकॉज इस टाइम हीट तो आपको मालूम ही क्या हालत है। और ये कुछ बाहर का व्यू इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए अभी इतने लोग हैं नहीं बिकॉज धूप है, गर्मी का टाइम है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे इवनिंग होती जाएगी तो रश बढ़ता जाएगा यहाँ पे, बिकॉज इस टाइम कोई मतलब नहीं बनता। और ये देखिए मैं बता रहा था आपको, UNDP ने ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सिप एंड शॉप, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर हर साल ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो इस साल इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया और इसी बहाने हम लोग भी यहाँ पर आ गए और हमने भी इसको देख लिया। 13th एडिशन है ये इंटरनेशनल वुमेंस डे का यहाँ पर, तो अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते हैं एक्चुअली जो भी होता है यहाँ पे। और इसी बहाने लोग घूम फिर के चले जाते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा टाइम पास भी रहता है, संडे का दिन है आज। सो यहाँ पे भी देखिए कुछ लोकल ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं। हाय बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर जगह लोकल ड्रेसेस वगैरह ही हैं मैक्सिमम। गर्मी से परेशान है मगर देखो सब इंजॉय कर रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, कोई गप्पे शप्पे मार रहे हैं, खुश हैं लोग एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि खुश नहीं होते, देखो कुछ भी होता है छोटा मोटा जो अच्छा लगता है उनको तो खुश हो जाते हैं। और ये कुछ लोकल आइटम्स हैं, शिया बटर वगैरह हैं, क्रीम्स वगैरह हैं जो यहाँ पे बनाते हैं लोकल, कुछ हनी वगैरह है। और आपको सेब भी नज़र आ जाएंगे, अगर आपको भूख लग जाती तो एक आधा सेब भी खा सकते हो। और ये हमारे भाई लोग देखो मस्ती में सब डांस कर रहे हैं, एक्चुअली ललित भाई जाने वाले हैं इसलिए अब ये पूरे मूड में हैं आज, तो इसी बहाने हम भी चलो चलते हैं फिर आगे कहीं, खाना खुना देखते हैं अपना इंडियन खाना और मिलते हैं फिर आपको नए वेन्यू के ऊपर। चलिए निकलते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए हैं होटल पनोरमा पोर्टिको, जो कि विनू जहाँ पे बैठता है, जहाँ काम करता है। तो अभी उन्होंने छोटा सा एक अभी वो किया है पापड़ वगैरह के लिए, तो बढ़िया से पापड़ वगैरह ला दिए इन्होंने, मसाला पापड़, तो खाना भी आएगा हमारा इंडियन खाना, तो अभी फ़िलहाल इसको एंजॉय करते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोगों का खाना आ गया, इंडियन खाना। सो ये है चिकन करी और एक है दाल और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नान्स हैं, ये गार्लिक नान है, बटर नान है और ये चीज़ नान भी है। सो ऐसा बढ़िया खाना यहाँ पर मिलता है होटल पनोरमा पोर्टिको में। सो हम लोग डिफरेंट अपने चेंज करते रहते हैं लोकेशंस वगैरह जहाँ पे भी होती हैं, ताकि डिफरेंट खाना हम लोगों को मिले। सो आप भी कभी आते हैं यहाँ पे तो आपको खाने की कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होएगी, जुबा के अंदर स्पेशली।
सो आपको जो भी इंडियन खाना खाना है तो आप उस हिसाब से आपको सब कुछ मिल सकता है। तो पनोरमा पोर्टिको भी आपके लिए एक जगह है जहाँ पे आपको इंडियन खाना मिल सकता है। सो आप आके इन्जॉय करिए, यहाँ पे आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया से बाहर हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। गाइस, ये था एक छोटा सा ब्लॉग आज के लिए, संडे के लिए। होप आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो इसके अंदर। अगर कुछ अच्छा लगा तो बताइएगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा तब भी बताइएगा, बिकॉज ज़्यादा कुछ होता नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, बट कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत जो भी होता है नया हमको दिखाते हैं। सो चलिए मिलते हैं जल्दी एक अगले ब्लॉग के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कुछ भी कमेंट करना है प्लीज़ कमेंट भी करें। सो मिलते हैं जल्दी आपको। हैव अ नाइस डे। चीयर्स। बाय बाय।